ले लो ताजी ताजी सब्जी सुमित्रा ले लो। आ सब्जी वाली आई है नीचे, लेनी है क्या सब्जी? हाँ लेनी है ना, तुम जाओ आगे, मैं आती हूँ पर्स लेके। अरे आइए आइए शर्मिला ताई, क्या है सब्जी में? आप बस बोलिए क्या चाहिए आपको। आइए सुमित्रा ताई, ये सोसाइटी के गेट पे कौन बैठा है? कॉप है? अगो भाई, ये तो अभिजीत है। हाँ अभी जीती है, पर क्या कर रहा है वहां पे? शायद शर्वरी ने अंदर ही नहीं लिया उसको। क्या माजरा क्या है? तुमको कहीं इतनी पंचायत है, अपनी सब्जियां दो और चली जाओ। आया ये शर्वरी ताई, टमाटर कैसे दिया? टमाटर 45 रुपए किलो चल रहे। सुमित्रा आजकल दिन बहुत खराब चल रहे। बात तो सही है, दिन बहुत खराब है। दोस्त दोस्त के नाम पे तो कलंकी है सारी। अगर आप किसी को दोस्त मानते हो तो दोस्त की फीलिंग समझनी चाहिए ना। आप अगर दोस्ती करते हो तो आपको फीलिंग भी समझनी चाहिए अपने दोस्त की। अगुबी वो अभिजीत है क्या? हाँ अभिजीत है वहां पे। क्यों बैठा होगा वहां पे? पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। ताइए लो, जाने दो। हमको क्या करना है, किसी की पर्सनल लाइफ में लुड़बुड़ करने से क्या फायदा हमको? मैडम को गुस्सा आ गया लगता है। सुमित्रा दाई शर्मिला दाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ए सब्जी दे और चुपचाप निकल तू भी। क्या भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। एक तरफ जोया और एक तरफ औरत है, जीना मुश्किल कर दिया मैंने यहाँ पे पूरा। बाऊ, ए बाऊ, क्या हुआ समा? मैं मिस ब्यूटीफुल के घर जा रही हूँ। क्यों, तुझे क्या करना है? तू अपना काम कर, चल निकल। क्या हुआ शर्मिला? ये श्रेया की दादी उस शर्वरी के पीछे पागल हो गई है। ये सीढ़ियां चढ़ के और कमर दुख जाती है। कौन है? अरे मैं हूँ मिस ब्यूटीफुल श्रेया की दादी। क्या कर दिया ऐसा? घर में किसको इतना प्यार नहीं किया होगा उतना प्यार उसको करती है। करने दो, हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। इतना गुस्सा मत कर, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ भी आरोप लगाते हैं लोग, कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाता है। सुंदर लड़कियों को यही तो प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ क्या हुआ? बहुत आरोप लगाते थे लोग मुझ पर भी। बस एक काम करने का, एक कान से सुनने का और दूसरे कान से छोड़ देने का। वैसे ये अभिजीत नीचे गेट पे क्यों बैठा है? पता नहीं मुझे क्यों बैठा है वो नीचे। उसको लेना अंदर, अच्छा नहीं लगता वो। मुझे नहीं लेना उसको अंदर। मिस ब्यूटीफुल बात को समझा कर, अगर वो ऐसा बैठेगा ना तो बातें और बढ़ेंगी। दोस्त बोलती है ना उसको, तू तो थोड़ी सी बात सुन ले उसकी भी, क्या बोलना चाहता है वो। गुड गर्ल, अभी उसको भेजती हूँ मैं। ए सुन रहे श्रेया की दादी, जाओ ऊपर, शर्वरी ने बुलाया है। ये देख, अगर वो और नाराज हुई तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। दादी जी मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या हुआ? ज्यादा भोले मत बनो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे क्या पता क्या हुआ, मैं तो बस बात कर रहा था जोया के साथ। क्या जरूरत थी उसके घर जाने की? मेरी दोस्त है वो। क्या? हाँ यूनिवर्सिटी में हम साथ में ही थे। तुमने मुझे कहाँ बताया फिर? मुझे खुद नहीं पता था वो यहाँ पे रहती है, वो तो हमारा आमना सामना हो गया आज। मुझे क्या पता था तुम दोनों का ऐसा वॉर चल रहा है। ऐसी दोस्त है तुम्हारी, बात करने की तमीज है उसमें? शर्वरी गलती तुम दोनों की है। मेरी कोई गलती नहीं है, और अगर तुमको उसकी साइड लेनी है ना तो उसके घर जाके बैठो ना। मैं तुम्हारे घर पे रुकूंगा ना जोया के। तो क्या सोसाइटी के गेट पे बैठोगे क्या? वैसे सारी औरतें मुझे ताने मारती है। हाँ गेट पे रहूंगा। देवदास मत बनो आप तुम। देवदास क्या, तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकता हूँ। चल कुछ भी बोलता है। हंसी ना हंसी। नहीं हंसी मैं, गुस्सा हूँ मैं। चल झूठी, पर ये बात सच है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या? ना तुम्हारे घर रुकूंगा ना जोया के। तो गेट पे रहोगे क्या? मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। बाबा शांति, एकदम शांति। कब किया तुमने शिफ्ट? आज ही। पर क्यों? तुमने कहा था ना यहाँ पे आ जाओ तो आ गया। तुमने मेरी बात सीरियसली ले ली? बचपन के दोस्त ने बोला सीरियसली तो लेना ही चाहिए।
कौन से फ्लोर पे है तुम्हारा कमरा? नहीं बताऊंगा। निकलो फिर यहाँ से। शर्मिला जी के फ्लोर पे। अच्छा शर्वरी, ये देखो, जितना मैं जोया को जानता हूँ वो बहुत अच्छी है। तुम उसकी बात करना चाहती हो तो प्लीज जाओ। इतना गुस्सा? मोटूरी? मोटी नहीं हूँ मैं। बचपन में तुम कैसी थी मुझे पता है। उरी बाबा, इतना बड़ा झगड़ा होगा ये पता नहीं था। पिछले 2-3 महीनों का सबसे बड़ा झगड़ा था यह। ये अभिजीत की वजह से आग में घी पड़ा ना। लड़का या ना, दो लड़कियों के बीच में तो ऐसा होना ही है। मुझे लगता है जोया के साथ भी उसको कुछ है। अरे 100% जरूर कुछ ना कुछ होगा। तभी तो वो इतना गुस्सा हो गई थी। मुझे तो लगता है इन दिनों का सोसाइटी में लव ट्रायंगल होने वाला है। होने दो, हमको क्या है, बस मजा आना चाहिए। मजा है मजा। किन के मुंह देख लिए? आ गई हो तुम आप? नहीं बाहर ही हूँ, दिख नहीं रहा तुझे। आ गई हूँ मैं। कभी ठीक से जवाब ही मत दीजिए आप। बहू रानी, अगर तू सवाल ठीक से करेगी तो जवाब भी मिलेगा ना। क्या करने गई थी आप शर्वर के घर? पैचअप करवाने गई थी। काय? ओफ़ा, शर्वरी और अभिजीत में समझौता करने गई थी। आगो भाई, हो गया? दोनों को मिलवा दिया है, पता नहीं क्या होगा। चलो अच्छा है, अब पैचअप तो हो गया, शादी भी जल्दी हो जाएगी। हाँ। ए! जब तक मैं हूँ ना तब तक उन दोनों की शादी नहीं होगी। आप कौन होती डिसाइड करने वाली? उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? चुप! बहुत हो गया तेरा, कब से बोली जा रही है। अनस्टॉपेबल कही के, सॉरी अनलिमिटेड है तू, लिमिटलेस औरत।